आइए खबरों को विस्तार से आप देख लेते हैं। अगर आप दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली की तरफ आ जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, आज नोएडा से भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, जिससे आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। किसान आंदोलन को खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन एक बार फिर नई मांगों के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने संसद के घेराव का आह्वान किया है। लंबे समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की 2 मुख्य मांग है, पहला विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले अधिक मुआवजा और डेवलप प्लॉट। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में किसान आचार संहिता लागू होने से पहले ही अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है। ट्रैफिक पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों की एडवाइजरी भी जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने 90 मिनट के भाषण में कांग्रेस को आउटडेटेड बताते हुए साथ ही आगामी चुनाव में उसके लिए सीटों के लिए दुआ मांगी है। 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एनडीए के तीसरे कार्यकाल का भरोसा दिया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आउटडेटेड बताने के साथ ही कहा कि अब वो देश को बांटने में लग गई है। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है, और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया। पीएम मोदी ने नेहरू की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च सदन में कांग्रेस पर देश तोड़ने का आरोप लगाने के साथ ही राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली है। सदन में पीएम ने कहा कि जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, देश में मोदी की गारंटी का दौर चल रहा है। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं।